शामदीद नाजरीन, टप्पा चपतरा पुलिस हदूद में पेश आई एक एकदम कतल की वारदात। तफसीलात के मुताबिक ये एकदम कतल की वारदात झिर्रे के सरवर नगर इलाके में पेश आई, जिसमें सुहेल नामी एक नौजवान पर दो लोगों ने चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। वारदात की इत्तला मिलते ही टप्पा चपतरा पुलिस मुकामी वारदात पहुंची। सुहेल को जख्मी हालत में इलाज के लिए उस्माना दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। इस सिलसिले में टप्पा चपतरा पुलिस ने एक केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। बताया जा रहा है कि यह हमला एक बैनर को लेकर आपस रंजिश के चलते किया गया है। सुहेल के भाई का कहना है कि हमलावरों का ताल्लुक रॉडी शीटर्स की एक गैंग से है और इस गैंग की वजह से इलाके में डर का माहौल पाया जा रहा है, और उन्हें भी यह डर है कि अगर वो उस गैंग का नाम लेंगे तो उन पर भी ऐसा जानलेवा हमला हो सकता है। जहां पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर श्री अंजनी कुमार IPS ने साउथ जोन के 31 रॉडी शीटर्स की रॉडी शीट बंद की, वहीं दूसरी ओर टप्पा चपतरा पुलिस हदूद में रॉडी शीटर्स अपनी रॉडी शीट बंद कराने के बजाय और मजीद गैर समाजी सरगर्मियां कर रहे हैं। अब देखना यह है कि टप्पा चपतरा पुलिस इलाके के रॉडी शीटर्स की गैंग के खिलाफ क्या इकदाम लेती है। पीठ के पीछे भी आराम में आता है। एक मिनट हिम्मत ना करो, जरा हटो मोहम्मद भाई, डॉक्टर है वहां। प्लीज रख नहीं मिल रही है। मैंने फोटो नहीं निकाल रहा सर। नहीं निकाल दो, क्या है वो? एक हाथ पे का ले रहा हूँ। अरे चलो बस अलाउड नहीं है भैया, जाम रहा यार। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं झिर्रे का रहने वाला हूँ, सरवर नगर में। मेरे भाई को जो है सो आज चाकुओं से मार डाले, जो है सो अहमद नाम है उसका, सिराज और एक क्या ये नाम है और एक पॉलिश का काम करता हूँ, उन्हें भी बोलना। तीनों मिलके एक जना बुलाया उसको, बिना बुला के जो है साइड में ठहरे थे, ठहरा के गले में हाथ डाल के सीधा आके चाकू मार दिया उसको। वो जो है सो मसला जो है सो बैनर का था। मैं रात में जो है सो बुलाया उन लोगों को, रात में 3 बजे जो है सो फिर रात में छोड़ी थी वो लड़ाई। मेरे को फ़ोन करे हमारे दोस्त था तुम्हारे भैया, उन लोगों ने ठहरे हुए थे बोल के। मैं जाके दोनों को भी समझाया, समझाते कि जो है सो उनको भी घर को भिजा दिया, उनको भी घर को भिजा दिया मैं करता हूँ बोल के, उन्हें भी बोल दिया, इन्हें भी बोल दिया जाकर वहाँ ख़त्म कर डाले। अब फिर सुबह जो है सो क्या प्लानिंग करे मेरे को नहीं मालूम। हम खुद वर्कशॉप पे थे, आए आके पीछे से बुलाए करते, गले में हाथ डाले उसके, डाल के जो सो क्या सुहेल भाई बोल के सीधा चाकू निकाल के सीधा छाती पे मार दिया उसको, मार दे के। ये 8 से 8:30 के बीच की बात है साहब। और काम करते थे आपके भाई? उन लोग फूलों का काम करते हैं। मारस वाला कुछ भी काम नहीं करता, ऑलरेडी उसका 307 है, ऑलरेडी जो है सो जाके आया सो 307 उसका टप्पा जो उतरे में ऑलरेडी है, और आप देख ले सकते हैं, आप मालूम भी कर ले सकते हैं उसके नाम पे। और उन्हें जो है एक टीम के साथ रहता, वो आप जांच कर लो, मालूम हो जाता आपको। उसके पीछे जो हाथ है आपको मालूम हो जाता, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। नाम लिए तो हमारे ऊपर जान का धोखा है, हम लोग नहीं ले सकते नाम। वो ज़्यादा जने जो है सो वहाँ के रॉडी शीट रहा उसके साथ की है। अगर मैं गलती से भी नाम बोल दिया तो हम लोगों की पूरी फैमिली को जो है अटैक कर डालते हैं। हम लोग नहीं ले सकते नाम, डर के जो है सो ज़िंदगी गुजार रहे वहाँ झिर्रे में। बहुत बड़े बड़े रॉडी शीट का हाथ है उसके ऊपर, बहुत जुलम कर दे रहा हूँ उन्हें। आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर चाहे तो आप जो है सो आप आगे वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते, मालूम भी हो जाता है इंशाल्लाह आपको। आप जो बेहतर आप लोगों से मेरे को जो है सो कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है, मेरे को जो है सो इंसाफ होना मेरे भाई को। और मेरा भाई अब जो है सो बहुत सीरियस कंडीशन में है, अगर कुछ भी अल्लाह ना चाहा उसके साथ हो जाएगा तो हम लोग जिम्मेदार नहीं रहेंगे फिर उसके बाद का, वो भी आपके सामने बोल दे रहा हूँ कमिश्नर साहब। दिल की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, जो भी एक्शन लो उसके ऊपर, मेरे को इंसाफ होना मेरे भाई के हाथ से, बस ठीक। अल्लाह हाफिज़। सरवर नगर टप्पा चपतरा झिर्रा में रहने वाला हूँ मैं, और अभी जो मेरे बच्चे पे हमला हुआ है वो ऑटो के पास ठहरने के बाद पीछे से आके हमला करा उन्हें, और वो बच्चा खून है अभी तो मालूम हो गया, नाम उसका अहमद नाम है, और हमेशा जो है ना आवारागिरी कर रहा थे उन्हें, हमारे को नहीं मालूम। अब जब भी मालूम हो गया बच्चे को किस तरीके से भी पकड़ना है, पुलिस का काम कंफर्म करके पकड़ लेना उसको। यानी आपके बच्चे से उसकी कोई दुश्मनी? हमारे बच्चे से उसकी क्या दुश्मनी है क्या नहीं, बच्चा बात होश में आने के बाद ही मालूम होगा, अभी तो हमारे उसका पूरा डिटेल नहीं मालूम। एक बच्चे का नाम तो मालूम होगा हमारे वाले का, नहीं कुछ बैनर वगैरह के बारे में लड़ाई हुई? हाँ एक बैनर लगाए थे, कहते बैनर निकालने में लड़ाई हुई बोल के सुनने में आ रहा। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement.
dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General, Harya. Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.